ABPS News। कहते हैं कि गांव में ही भारत बसता है, लेकिन जब विकास की बात आती है तो शहर को ही भारत दिखाया जाने लगा है। विकास की दौड़ में शहर से गांव पीछे रह गए हैं। शहरी जिंदगी आराम से गुजर जाती है और गांव के लोगों को प्रतिदिन जीने के लिए संघर्ष करना होता है। ABPS न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बिजनौर के ब्लॉक नूरपुर में स्थित भैंसा गांव पहुंची। लगभग 2500 की आबादी व 1500 वोटर वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 48 किलोमीटर दूर तो ब्लॉक से 15 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां पर ग्रामीणों ने कुंता देवी को ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव के प्राइमरी विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 136 बच्चे पंजीकृत हैं। वहीं बात अगर हम विकास कार्यों की करें तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 17 हैंडपंप लगे हुए हैं तथा 10 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 40 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। इसी के साथ गाँव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, कच्चे रास्ते, पानी निकासी के लिए नाली तथा तालाब का भी नव निर्माण कराया गया है। वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ गांव में सीसी टाइल्स रोड, कच्चे रास्ते, पानी निकासी के लिए नाली, तालाब तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने ABPS न्यूज के माध्यम से गांव में सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, खडंजे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 45 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्रधानमंत्री योजना से धन आएगा उसका सदुपयोग किया है और आगे भी करूँगा। और हमारे ग्राम में बिजली के खंभे जड़ से खंडित हैं, उनको लगवाया जाए। और RCC रोड भी हमारे ग्राम में बनने के लिए काफ़ी है, उसका भी उसे भी बनाया जाए। जितना भी धन राज्य सरकार या केंद्र सरकार से आएगा उसका हम आगे भी सदुपयोग करेंगे।